Once a cop, always a cop. जैसे के राठौड़, विक्रम राठौड़। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। एक बार फिर बॉक्स ऑफिस हिलाने आ रहा है विक्रम राठौड़। अक्षय कुमार जल्द ही लाएंगे रावड़ी राठौड़ 2। जब अक्षय कुमार का करियर डगमगा रहा था, तब एक सिनेमा घर में ऐसी फिल्म आई थी जो फिल्मों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अक्षय कुमार के करियर में 4 चांद लगा दिए थे। यहाँ तक कि अक्षय कुमार के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी, और वो फिल्म थी 2012 में रिलीज हुई रावड़ी राठौर। रावड़ी राठौर फिल्म को कोई नहीं भूल सकता, खासकर अक्षय के फैंस, क्योंकि अक्षय के हर फैंस के दिल के बेहद करीब है ये फिल्म। ये फिल्म में अक्षय कुमार ने डबल रोल निभाए थे, जिनमें एक रोल काफी एंग्री और सीरियस बताया गया था, जबकि दूसरे रोल में अक्षय कुमार को कॉमेडी और अपनी जिंदगी को मस्ती से जीने वाला दिखाया गया था। और ये फिल्म में जो अक्षय कुमार ने 2 कैरेक्टर निभाए थे, उन्हीं कैरेक्टर के लिए अक्षय कुमार बॉलीवुड में जाने जाते हैं। पहला कैरेक्टर था एक्शन का, जो कि हम सबको पता है कि अक्षय कुमार की छवि बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो की है। और दूसरा कैरेक्टर था कॉमेडी का, और वो भी हम सबको पता है कि अक्षय कुमार की फिल्मों में कॉमेडी किस लेवल की रहती है। और इसी वजह से रावड़ी राठौड़ ने सिनेमा घरों में आग लगा दी थी और बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 100 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया था। वो समय था 2012 का, जब लोगों के पास अच्छी फिल्मों के रिव्यूज भी बहुत ही देरी से पहुंचा करते थे। लेकिन आज का सिनेरियो अलग है। आज अगर कोई अच्छी फिल्म रिलीज होती है तो महज 3 दिन में ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेती है। और इस माहौल के बीच अब अक्षय कुमार की अगली फिल्म रावड़ी राठौर 2 को लेकर खबर आ रही है। और जो ये खबर सामने आ रही है, अगर सच होती है तो समझ लो कि बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से अक्षय का तूफान आने वाला है। दरअसल खबरें आ रही है कि अक्षय कुमार जल्द ही रावड़ी राठौर 2 फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। ये फिल्म की शूटिंग अगले साल मीड में शुरू हो सकती है, क्योंकि इन दिनों इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े राइटर विजयेंद्र प्रसाद, जो कि राजा मौली के पिता है, वो इन दिनों रावड़ी राठौर 2 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मीडिया में खबरें आई थी कि विजयेंद्र प्रसाद इन दिनों रावड़ी राठौर 2 फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जैसे स्क्रिप्ट कंप्लीट होगी, तुरंत ही स्क्रिप्ट अक्षय कुमार के पास जाएगी, और अक्षय कुमार को ये स्क्रिप्ट पसंद आएगी तो वो तुरंत ही रावड़ी राठौर 2 पर काम का शुरू कर देंगे। हालांकि इन सब में कितना प्रोसेस लगता है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि जब तक स्टोरी कन्फर्म नहीं होगी तब तक अक्षय कुमार ये फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, अक्षय कुमार ये फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। वैसे भी ट्विटर पर फैंस डिमांड भी कर रहे हैं कि अक्षय कुमार की रावड़ी राठौर 2 फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों अक्षय कुमार का करियर थोड़ा डगमगा गया है। और रावड़ी राठौर 2 एक ऐसी फिल्म है जो अक्षय कुमार के करियर में एक बार फिर से 4 चांद लगा सकती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि अक्षय कुमार को रावड़ी राठौर 2 करनी चाहिए कि नहीं। और ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।